संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए संस्कृत की सभी अग्रणी संस्थाएं 22 से 28 अगस्त संस्कृत दिवस के अवसर राज्य में प्रथम बार संस्कृत सप्ताह आयोजित कर रही है। संभागीय आयुक्त तथा प्रशासक संस्कृत अकादमी दिनेश कुमार यादव ने बताया कि कला व संस्कृति विभाग, राजस्थान संस्कृत अकादमी, संस्कृत शिक्षा निदेशालय और जगतगुरु रामनंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में संयुक्त रूप से योजना बनाई गई, जिसके तहत गणगौरी बाजार के वैदिक हेरिटेज तथा पांडुलिपि शोध संस्थान में वैदिक सृष्टि विज्ञान विमर्श के साथ वैदिक प्रदर्शनी और 22 से 28 अगस्त तक विशिष्ट व्याख्यान भी आयोजित प्रसारित किए जाएंगे। व्याख्यानों के तहत संस्कृत के ऐतिहासिक महत्व और भाषाई प्रासंगिकता पर विस्तृत विमर्श होगा। इसका प्रसारण राजस्थान संस्कृत अकादमी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, राजस्थान संस्कृत विभाग, हमारे कला एवं संस्कृति विभाग एवं अन्य सभी प्रबुद्धजन मिलकर के और राज्य में प्रथम बार 22 से 28 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। इस सप्ताह के तहत प्रत्येक दिवस को 11 बजे से कुछ ना कोई कार्यक्रम हमारा जो वैदिक हेरिटेज एवं पांडुलिपि शोध संस्थान गणगौरी बाजार स्थित है उसमें कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें संस्कृत भाषा के विभिन्न विद्वान, संस्कृत प्रेमी और इस में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए सभी लोग मिलकर के किस प्रकार हम संस्कृत को और अधिक संवर्धन, प्रोत्साहन और जन जन की भाषा के रूप में विकसित करने में अपने अपना योगदान और अपना अपना विचार विमर्श प्रदान कर सकें, इसके लिए एकत्रित होंगे।